रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाएं डाय या कची मिसरी जहड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में कोई भले तमा रिश्तो.com में मेंबरशिप वर्ती हुजे या न रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की तरफ से अवैध मच्छी मार्केट के ऊपर आज कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के पास बने अवैध मच्छी मार्केट पर और वहां बने झोपड़ों पर JCB के मदद से उन्हें ध्वस्त किया गया। वहीं कुछ महिलाओं ने हंगामा करते हुए झोपड़ों को आग लगाने की भी कोशिश की, पर पुलिस बंदोबस्त होने के कारण यह कार्रवाई पूरी हो सकी। संजय गांधी नगर परिसर में महापालिका का भूखंड है और यह कई सालों से खाली होने के चलते यहाँ अवैध झोपड़े बना दिए गए थे। महापालिका की तरफ से यह जगह खाली करने के लिए बार बार रहवासियों को नोटिस दिए गए थे, जिसके बावजूद रहवासी अपने घर वहां से खाली नहीं कर रहे थे, जिसके चलते महापालिका की तरफ से कार्रवाई कर इस भूखंड पर बने अवैध कब्जे को हटाया गया। और इसी जगह के पास ही वाहन पार्किंग की जगह है, वहां पर भी अतिक्रमण किया गया था, वहां पर भी कार्रवाई कर जगह को ताबे में ले लिया गया है। उस वक्त मनपा उपायुक्त प्रियंका राजपूत, सहायक आयुक्त गणेश सिंपी, अजीत गवेरी, वाहन विभाग के यशवंत सगरे, मालमत्ता विभाग के राजेश गंगाव और मनपा के कर्मचारी वहां मौजूद रहे। महानगरपालिकेचं मच्छी मार्केटसाठी मच्छीवाल्यांसाठी आपण ही जागा दिलेली आहे। हा भूखंड महानगरपालिकेचा आहे, मच्छीवाल्यांना आपण इथे बसून त्यांची जे काही मासे विक्री करायचं आहे त्याच्यासाठी ही जागा दिली होती। मात्र साधारण एक 10-12 मच्छीवाल्यांनी इकडे बांबूचे शेड्स बनवले आहेत आणि त्या शेड्स बनवून त्याच्या आतमध्ये ते मच्छी विक्री करत होते, जे आपण त्यांना अलाउड नाही केलेलं होतं। त्याच्यामुळे आज महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम विभाग, आपले जे सहायक आयुक्त गणेश शिंपी साहेब आहेत आणि वॉर्ड ऑफिसर अजित गोवारी आहेत, यांची टीम, आरोग्य विभागाची टीम यांच्या यांचे एकत्रित हा आपण ही ड्राईव्ह घेतली आहे आणि हे जे गाळे होते इलिगल ते आपण काढले आहेत। तसेच आपण पाहू शकता की याच गाळ्यांच्या पुढच्या बाजूला आपली नियोजित बस स्टँड आहे, बस सेवा, बस परिवहन सेवा जी आपली कॉर्पोरेशनची सुरू होणार आहे। तसेच आपलं तिकडे पेन पार्क ची जागा आहे, जी आपण 3 वर्षासाठी पेन पार्कसाठी एका कॉन्ट्रॅक्टरला दिली होती, पण तिथे दुसऱ्याच माणसांनी, त्रस्त माणसांनी अतिक्रमण करून प्रायव्हेट बिझनेस सुरू केलेला, ते पण आपण आज या कार्यक्रमात घेतलेलं आहे आणि म्हणून वाहन विभागाचे पण अधिकारी आपल्याबरोबर आहेत। तर सगळ्यांनी मिळून हा संयुक्तिक कार्यक्रम घेतलेला आहे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।